हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मी ए थ्री का फुल कैमरा रिव्यू देने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि यार कैसे इसमें फोटोज और वीडियोज आती हैं, तो यार पूरी देखिएगा वीडियो, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे जो है वो पता लग जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने मिलता है, 48 मेगापिक्सल, जी हाँ सोनी का IMX586 सेंसर जो है आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। तो यार ये जो है काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ अच्छी लुक्स के साथ और अच्छे प्राइसिंग के साथ दोस्तों ये फोन जो है वो लॉन्च हुआ है 12999 यानी कि 13,000 में आपको जो है 4GB 64GB जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब जो है बिना समय गवाए जो है इसका जो है फुल कैमरा रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार जरूर से लाइक से सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ आउटडोर सैंपल जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कैसी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है, नेचुरल और पंची कलर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों आपको ये फोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे जो है ब्राइट कलर्स आपको यहाँ पे जो मी ए थ्री की फोटोग्राफ्स में देखने को मिलते हैं। ये सारी ही फोटोग्राफ्स आप देखिएगा, ये सारी फोटोग्राफ हमने जो है आउटडोर कंडीशंस में क्लिक करी है दोस्तों। ये कुछ सैंपल्स इंडोर लाइटिंग कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। आपको बिल्कुल नेचुरल कलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपकी लो लाइटिंग भी है तो भी आपको यहाँ पे जो अच्छी फोटोग्राफी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कुछ सैंपल्स आपको 48 मेगापिक्सल के दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन में जाके 48 मेगापिक्सल सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है 48 मेगापिक्सल वाली इमेजेस जो है वो क्लिक कर सकते हैं। आपको काफी अच्छी दोस्तों यहाँ पे जो है डिटेलिंग मिलती है 48 मेगापिक्सल कैमरे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब कुछ यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट सैंपल्स दिखा रहा हूँ। आप ओवरऑल देख सकते हैं आपको एज डिटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या फिर हो दोस्तों रियर कैमरा, ओवरऑल एज डिटेक्शन अच्छी मिल जाती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बट किसी किसी फोटोज़ में दोस्तों एज जो है थोड़े बहुत जो है वो रह जाते हैं ओवरऑल, बट यहाँ पे जो है वो एज डिटेक्शन आपको अच्छी मिलती है कि आपको ओवरऑल जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि रियर कैमरा में तो आपको यहाँ पे जो है कैमरा मिलता है डेप्थ सेंसर कैमरा पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, बट जो फ्रंट कैमरा है उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको जो है पोर्ट्रेट शॉट्स देखने को मिलते हैं। सेल्फीज भी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग जो है काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसमें मी ए थ्री में। अब आपको इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का जो है कमाल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो नॉर्मल अगर आप फोटो लोगे तो ऐसी आपको दिखती है, और उसके बाद दोस्तों अल्ट्रा वाइड में आपको ऐसा कुछ व्यू जो है वो देखने को मिलता है। एक और शॉट आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाता हूँ टैंक का ही। यहाँ पे भी देखिए, ये है दोस्तों नॉर्मल फोटो, और उसके बाद जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ ऐसा जो है व्यू देखने को मिल जाता है। तो ये जो है काफी अच्छे सैंपल्स हैं अल्ट्रा वाइड के दोस्तों।
फुल एचडी 30 fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मी A3 से, आप ओवरऑल यहाँ पे जो है वो क्लैरिटी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों फुल एचडी 30 fps में मी A3 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ ही साथ थोड़ा बहुत चल भी रहा हूँ, तो आप जो है स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि कैसी आपको स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मिलती है। अभी थोड़ा मैं फास्ट आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। फ्रेंड्स ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये फ्रंट कैमरा से, मी A3 के फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको ओवरऑल कैसी यहाँ पे जो है क्लैरिटी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची यहाँ पे जो है लगते हैं, तो ऐसी कुछ आपको क्लैरिटी मिलती है फ्रंट कैमरा मी A3 दोस्तों। फ्रेंड इस वीडियो में आप फोकसिंग जो है वो देख सकते हैं कितनी जल्दी ये फोन जो है वो फोकस करता है मी A3। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे ही आर्म लेके आता हूँ तो ये जो है साथ के साथ फोकस कर देता है उसको उसी टाइम। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ मी A3 के। लाइटिंग आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग है थोड़ी बहुत यहाँ पे, तो इसलिए जो है वीडियो क्लियर आ रही है। पूरे डार्क में चले जाऊंगा तो यार वीडियो आती नहीं। ऊपर से यहाँ पे जो है इसमें इशू ये है कि इसमें फ्लैश नहीं है फ्रंट पे, वो फ्लैश जो है स्क्रीन फ्लैश होती है जो कि सिर्फ फोटोग्राफी के टाइम जो है वो काम आती है, ना कि वीडियोग्राफी के। अभी आर्टिफिशियल लाइटिंग अच्छी है, देखो मेरे पीछे जो है यहाँ पे लाइट है तो वीडियो जो है वो अच्छी आती है, अदरवाइज यहाँ पे इशू रहता है दोस्तों लाइटिंग में मतलब। बट लो लाइटिंग में आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल आपको कैसी जो है क्लैरिटी देखने को मिलती है दोस्तों। ये वीडियो मैं रियर कैमरा से बना रहा हूँ मी A3 के, और लाइटिंग कंडीशन जो है वो कम है दोस्तों, आर्टिफिशियल लाइटिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैसी जो है वो क्लैरिटी देखने को मिलती है मी A3 में। ये दोस्तों विद फ्लैश रिकॉर्ड कर रहा हूँ मी A3 के रियर कैमरा से। फ्रेंड्स ये रियर कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ मी A3 के, और लाइटिंग कंडीशंस जो है वो आर्टिफिशियल लाइटिंग है, यहाँ पे पूरा रात का यहाँ पे अंधेरा है यहाँ देख सकते हैं, तो ऐसी कुछ आपको क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। आप बताइए आपको कैसी लगी यार, मैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसकी। ओवरऑल जो नाइट कंडीशंस में लो लाइट कंडीशंस में जो फोटोग्राफी है उसको देख के मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बाकी आप बताइए। अब कुछ आपको लो लाइट सैंपल्स भी दिखा देता हूँ। ये फोटो दोस्तों मैंने एक नॉर्मल मोड में क्लिक करी है, उसके बाद इसमें जो है वो नाइटस्केप मोड है, तो यहाँ पे दोस्तों नाइट मोड सिलेक्ट करके जो है कुछ ऐसी लाइटिंग उसमें आ जाती है आपकी नॉर्मल फोटो में दोस्तों। और कुछ आपको सैंपल्स दिखाता हूँ दोस्तों नाइट मोड में। यहाँ पे आपको बता दूं कि नाइट में जो ओवरऑल फोटोज आई हैं वो ठीक ठाक लगती है मेरे हिसाब से, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट कीपिंग इन माइंड इसका जो प्राइस रेंज है इस मोबाइल का तो उस हिसाब से दोस्तों ठीक है। बट यहाँ पे मैं जो है थोड़ा बहुत जो है डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसकी जो नाइट मोड में जो वीडियो क्वालिटी को लेके, और साथ ही साथ अगर आप फोटो क्लिक करते हो रात में तो आपको जो है प्रॉपरली जो है बिना हाथ हिलाए हल्का सा भी अगर आपका हाथ हिल गया तो फोटो जो है वो आपकी शेकी आएगी। तो अगर दोस्तों मैं इसको सम अप करूं तो ओवरऑल डे लाइट कंडीशंस में आपकी फोटो और वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पोर्ट्रेट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं मी A3 में, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डिसअपॉइंट करता है ये लो लाइटिंग कंडीशंस में। बट आप यहाँ पे जो है मैंने आपको सारे सैंपल जो है वो दिखा दिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप जो है दोस्तों परचेज कर सकते हैं मी A3, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में यानी कि 1-2999 में आपको सोनी का IMX586 सेंसर जो है वो देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल आप फोटोज हैं वो क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो है मजा वो भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको 32 मेगापिक्सल की जो है बढ़िया सेल्फीज भी देखने को मिलते हैं दोस्तों मी A3 में। तो ये था दोस्तों मेरा मी A3 का फुल रिव्यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।